हम यहां पर झारखंड की चर्चा करने जा रहे हैं। झारखंड में क्या स्थिति है साहब? झारखंड में 14 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछली बार कर दिखाया था, यानी 2019 में। इस बार तमाम सर्वे क्या बता रहे हैं? इस बार जो सर्वे बता रहे हैं, झारखंड में ऐसा लग रहा है कि 3 से 11 सीटें मिल सकती हैं एनडीए अलायंस को, और उसके साथ साथ जो इंडिया अलायंस है यानी कि जेएमएम और कांग्रेस, इनको 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। अब ये अपने आप में बताता है कि झारखंड की जो पूरी लड़ाई है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर जो एग्जिट पोल हैं उनके आधार पर आप देखिए क्या निकल कर आ रहा है। इंडिया अलायंस के लिए, माफ कीजिएगा, हाँ, इंडिया अलायंस के लिए यहां पर ये अच्छी सीट बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर 1 से 6 सीट तक मिलने की उम्मीद है। और ये बहुत बड़ी बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एनडीए अलायंस को मिनिमम 3 और मैक्सिमम 14 सीट तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है एग्जिट पोल के आधार पर। अगर इसका एवरेज निकालें तो कुल मिलाकर एनडीए के पास 12 सीटें जा सकती हैं और यूपीए के पास 2 सीटें जा सकती हैं, यानी कि आप इंडिया अलायंस के पास 2 सीटें जाती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले जो सिंपथी फैक्टर ट्राइबल के आधार पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को इनकैश करने की थी, ये इमोशनल कार्ड नहीं चला, या शायद इसकी वजह से कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा, करप्शन एक बड़ा मसला झारखंड में, लोगों के बीच यह मामला बड़ा बना रहा और लोगों ने इस आधार पर एनडीए के साथ अपनी उम्मीद बनाई रखी। आपको याद होगा 350 करोड़ वहां पर बरामद किए गए थे। हाल फिलहाल भी एक रेड हुआ था जिसमें 200 करोड़ रुपए बरामद किए गए और वो लोगों के दिमाग में छपे हुए हैं। इसके साथ साथ जो तालमेल होना चाहिए जेएमएम और कांग्रेस के बीच में, वो तालमेल जमीन पर होता नहीं दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात, जो तमाम बातें चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया जा सकता है, चीजें बदली जा सकती हैं, ये निराधार साबित हुआ। और यहां पर जेएमएम को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका बड़े पैमाने पर असर हुआ है, जिसने एनडीए को फायदा दिया है।